ज्ञान दर्शन वन औषध में आप लोगों का स्वागत है मित्रों। आज हम आप लोगों को एक महत्वपूर्ण नुस्खा बताने जा रहे हैं दोस्तों। यह नुस्खा बहुत ही फ़ायदेमंद, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। अभी हमारे चैनल ज्ञान दर्शन वन औषध के द्वारा इसको नहीं बताया गया है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। गर्मी के मौसम में जिन लोगों का थोड़ा गर्म मिजाज है वह इसको प्रयोग ना करें, और जो थोड़ा अच्छे लोग हैं उसका ये प्रयोग कर सकते हैं। ठंडी के मौसम में सभी लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मित्रों आइए जानते हैं इस नुस्खे के बारे में। हमने आपको इसका इस्तेमाल के बारे में भी बताएंगे। किसी को इरेक्शन की कमी है, टाइमिंग की कमी है, अगर किसी के मणि में कमी है, मणि नहीं बन रही है, टाइमिंग में कमी है, अगर किसी की मणि नहीं बन रही है या वीर का पतलापन हो गया है, तो उनको इस दवा से वीर का पतलापन खत्म हो जाएगा, वीर गाढ़ा हो जाएगा, और जिनके पट्ठों में कमी है उनके पट्ठे बलवान हो जाएंगे और ठीक हो जाएंगे, शारीरिक कमजोरी दूर हो जाएगी। यह दवा आपको करीब लगातार 20 दिन इस्तेमाल करने से सभी तरह की मर्दाना कमजोरी दूर हो जाएगी। तो मित्रों आइए जानते हैं इस दवा के बारे में, आपको हम बताने जा रहे हैं। आप इसको बहुत ही कायदे से, बहुत ही अच्छे ढंग से प्रयोग करना है मित्रों। कोई ज़्यादा इसमें सामान नहीं लेना है, केवल दो चीज़ें ही लेनी है, और दो चीज़ें के ही प्रयोग से इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मर्दाना कमजोरी दूर कर सकते हैं, शारीरिक कमजोरी दूर कर सकते हैं, हर तरह की जो है कमजोरी आपकी दूर हो जाएगी। बहुत ही फ़ायदेमंद, बहुत ही ज़बरदस्त यह नुस्खा है मित्रों। दो चीज़ें लेनी है, तो पहली चीज़ क्या है, आपको 100 ग्राम ये सफ़ेद वाले तिल लेने हैं, सफ़ेद तिल, ये जो 100 ग्राम है ये 100 ग्राम आपको लेने हैं सफ़ेद तिल। ये आप देख लीजिए, तिल ऐसे प्रकार के होते हैं, यही सफ़ेद तिल आपको लेने हैं, 100 ग्राम सफ़ेद तिल लेने हैं। और मित्रों 100 ग्राम मिश्री, दाने वाली मिश्री ले लीजिए, चाहे धागे वाली, इस तरह की मिश्री होती है, मिश्री को पहचान लीजिए मित्रों, यही मिश्री आपको 100 ग्राम लेनी है, 100 ग्राम मिश्री ले लीजिए, 100 ग्राम सफ़ेद तिल। फिर इन दोनों चीज़ों का मिश्रण, जैसे कि ये चूर्ण हमने बनाया है, इस तरह का आपको चूर्ण बनाना है, यही चूर्ण आपको लेना है, एक चम्मच, यही एक चम्मच, इस तरह से एक चम्मच भर के सुबह और एक चम्मच शाम, एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम, इसको लेने से आपकी शारीरिक कमजोरी दूर हो जाएगी, मर्दाना कमजोरी दूर हो जाएगी, सारी कमजोरियों का ये ज़बरदस्त पावरफुल नुस्खा है मित्रों। 15 दिनों के भीतर ही सारी खोई हुई ताकत वापस आ जाएगी। इसको लेना कैसे है, एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम, अगर गाय का दूध मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, अगर गाय का दूध नहीं मिलता है तो भैंस का दूध, बकरी के दूध से लेने से तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, लेकिन बकरी का दूध मिलेगा कहाँ, गाय के ही दूध से लीजिए। सुबह शाम गाय के दूध से सेवन करने से सभी प्रकार की मर्दाना कमजोरी दूर हो जाएगी मित्रों। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा, हमारे चैनल के द्वारा दी जा रही सारी जानकारियां आप तक प्राप्त होती रहें और पहुंचती रहें। मित्रों आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।